हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग जी हाँ आज हम लोग वापस शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ठीक है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या बता रहे हैं अकाउंटिंग क्या होता है और ऑडिटिंग क्या होता है तो पहले तो हम ही एक फैक्ट जान लेते हैं कि अकाउंटिंग को हम लोग रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स बोलते हैं और ऑडिटिंग को वो फैक्ट सही है कि नहीं वो चेक करना रिव्यू करना दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिटिंग

डिड नॉट हैव स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है लेकिन ऑडिट करने के लिए इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए एक्सपर्ट होना चाहिए उसको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए ठीक है ऐसे ही कोई भी आके नहीं कर सकता ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉ जो होता है एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटिंग करने के लिए ऑडिटर जो अपॉइंट किया है ठीक है शेयर होल्डर्स ने ठीक है एंड जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है बिगनिंग एंड एंड तो अकाउंट साल के शुरुआत में वाउचर से शुरू होती है ओरिजिनल एंट्री से एंड्स विद फाइनल अकाउंट्स एक बार बन गया मतलब उस साल का अकाउंट्स खत्म हो गया लेकिन ऑडिटिंग क्या होता है अकाउंटिंग ख़त्म होने के बाद फाइनल अकाउंट जब ख़त्म होता है वहां से ऑडिट शुरू होता है और जब वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो हमारा ऑडिटिंग कंप्लीट होता है फिर आता है नेचर ऑफ वर्क तो अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स ठीक है क्या क्या चीजें आती है अकाउंट रिकॉर्ड करता है पोस्टिंग करता है समराइज करता है सारे ट्रांजेक्शन को और अकाउंट्स आर चेक्ड बाय सब जो करता है वो चेक करता है ऑडिटर ऑडिटर क्या करता है एनालाइज करता है जो पास्ट में ये ट्रांजेक्शन इन्होंने रिकॉर्ड की है एनालिटिकल करता है एनालाइज करता? करता है वंस ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉट री ऑडिटेड एक बार ऑडिट कर दिया उसको वापस ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है हाँ इंटरनल ऑडिटर रहता है वो अलग बात होती है लेकिन एक्सटर्नल जो मेन ऑडिटर है उसके बाद वापस से उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती है फिर आता है ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन तो ऑडिटिंग देखो ऑडिटिंग में ये एक अपने को लीगल चीज़ है जो करवानी ही पड़ती है और ये एक मेजर है कि अपना ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन कब होता है जब हमको मालूम पड़ा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जब हम लोग कोई काम करवाते हैं चेकिंग करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ठीक है एक स्पेसिफिक पर्पज के साथ होता है ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इफ दे आर ट्रू एंड फेयर सिर्फ इतना जानने के लिए ठीक है इसमें हमारा कोई पर्पज अलग से नहीं होता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज़ फॉर स्पेसिफ़िक पर्पज़ कि मेरे को मालूम पड़ा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो वो झोल पकड़ने के लिए मैं जब करता हूँ सो दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन फॉर मी ठीक है यहाँ पे ऑडिट इज एन एन्यूअल रिकरिंग हर साल आता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन हर साल नहीं आता है कभी कभी अगर मेरे को लगा साल में बार बार भी ज़रूरत पड़ सकती है और सालों में एक बार भी ज़रूरत पड़ सकती है ऑडिट स्टेचुटरी भी होता है जो हर साल हमको करवाना ही पड़ता है वॉल्टर भी होता है जो इंटरनल ऑडिट कंपनी करवाती है कंटिन्यूस भी हो सकता है साल में एक बार भी हो सकता है छः छः महीने में भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में भी स्टैचुटरी कंपनीज एक्ट में कभी कभी वो स्टैचुटरी है इनकम टैक्स एक्ट सो दैट वहाँ पर शेयर्स वगैरह की जब वैल्यूएशन करवानी है तो उसके लिए ठीक है कोई फ्रॉड पकड़वाना हो या कुछ फिक्सिंग करना है कंसिड्रेशन के कितना अमाउंट देना चाहिए उसके लिए तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कि भाई मेरे को ये एसेट्स का वैल्यू क्या है वो जानना है ठीक है ऑडिटर तो भाई ओनर्स या शेयर होल्डर्स अपने जो जनरल मीटिंग होता है उसमें अपॉइंट करते हैं इन्वेस्टिगेटर कोई भी अपॉइंट कर सकता है आउटसाइडर के या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं आर भी कर सकता है इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं भाई मेरे को इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है लैंडर परचेजर या शेयर होल्डर भाई जिसको लगे मेरे को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है वो बोल सकता है भाई मेरे को इन्वेस्टिगेटर ला के दो तो मुझे ये चीज़ चेक करवानी है स्कोप ऑडिट कवर सारे अकाउंट्स कवर होते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जिस चीज़ के बारे में हमको करना है सिर्फ उतना ही इन्वेस्टिगेट होता है इन्वेस्टिगेशन में भी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम्स इन अकाउंट्स और मे गो मच बियॉन्ड द अकाउंट्स बहुत सारी चीज़ें उसमें तो आ सकती है सिर्फ अकाउंट ज़रूरी नहीं है री ऑडिट कभी भी होता नहीं ऑडिट डज नॉट इन्वॉल्व री ऑडिट लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व वापस से उसका चेक हो सकता है ठीक है फिर आता है कंपल्सरी ऑडिट कम्पल्सरी है कंपनीज के लिए ठीक है साल में एक बार करवाना इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कम्पल्सरी ऑडिटर कौन होना चाहिए तो मस्ट बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सी होना ज़रूरी है लेकिन इन्वेस्टिगेटर के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब बाई द लॉ फॉर एन इन्वेस्टिगेटर यस माई डियर स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स देखो मैं कब से बता रहा हूँ एरर्स एंड फ्रॉड्स एरर्स एंड फ्रॉड्स एरर्स एंड फ्रॉड्स राइट सो देखो एरर्स एंड फ्रॉड्स जो है ना वो इंसिडेंटल है एरर क्या होता है कि कहीं पे रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गई है नॉट विद द रोंग इंटेंशन लेकिन हो गया है वो ठीक है जैसे कि हम लोग ने डेबिट का क्रेडिट कर दिया या अमाउंट गलत लिख दिया प्लस का माइनस लिख दिया ठीक है तो वो एरर होता है गलती से हुआ है फ्रॉड क्या होता है जानबूझ के गलत इंटेंशन के साथ हम लोग कुछ ऐसा लिख रहे हैं ठीक है थीके? कुछ जानबूझ के कर रहे हैं कि उसमें से अपने को फ़ायदा हो या कंपनी का कुछ जो खराब है वो अच्छा दिखे या जो बहुत अच्छा नहीं है वो और अच्छा दिखे ठीक है तो उसके लिए हम लोग जो करते दैट इज फ्रॉड ठीक है सो मीनिंग स्टार्ट करते हैं एरर के साथ एस सीन अबाउट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू एग्जामिन इफ द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज एन इंसिडेंटल मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है तो एरर मीन्स एन अन इंटेंशनल क्या है अन इंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इट इज एन इन एडवर्टेंट और इनोसेंट गलती से हुआ है ठीक है मिस्टेक इन द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स और फ्रॉड ऑन द अदर हैंड इज डेलिबरेट जानबूझ के मैलिफाइड इंटेंशन के साथ एंड मेलीफाइड मिस्टेक मैलिफाइड मतलब गलत इंटेंशन के साथ किया हुआ बोथ एरर्स एंड फ्रॉड्स आर नोन एज मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट तो है जो सही है वो आपने नहीं लिखा सो दैट्स अ मिसस्टेटमेंट अ मिसस्टेटमेंट आल्सो कवर्स रॉन्ग ग्रुपिंग गलत चीज को अगर कहीं पे डाल दिया तो वो भी आता है गलत जगह पे लिखा है तो एरर में भी प्रिंसिपल अगर हम लोग ने लॉ का फॉलो नहीं किया है क्लैरिकल एरर अमाउंट में मिस्टेक हो गया ठीक है क्लैरिकल एरर को एरर ऑफ ओमिशन लिखना ही भूल गए एरर ऑफ कमीशन इधर का उधर हो गया ठीक है कंपेंसेटिंग जो डेबिट होना चाहिए था उसके जगह पे डबल कम हम लोग ने कर दिया मतलब वो पकड़ा नहीं जाएगा कंपेंसेटिंग एरर क्या है मैंने लिख तो लिया लेकिन गलत चीज़ लिख ली है वहाँ पर या एक ही चीज़ दो बार लिख दी है तो ये जो एरर्स होते हैं वो सारे हमारे एरर क्लैरिकल एरर होते हैं ठीक है तो एरर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लेरिकल एरर्स के अंदर सो so, ये शुरू करते हैं एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर्स वेन द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है उसके हिसाब से जो डेबिट होना चाहिए वो डेबिट की जगह पर क्रेडिट हो गया ठीक है तो वो हमारा प्रिंसिपल है द डेबिट और क्रेडिट इज गिवन टू द रोंग हेड अकाउंट गलत अकाउंट में लिख दिया द एरर डो नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बट दे अफेक्ट द वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रहता है फिर हमारे अकाउंट का ड्यू टू सच एरर द अकाउंट शो आप मिसलीडिंग पिक्चर दिखा रहा है गलत पिक्चर दिखा रहा है एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में तो उसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं ओवर वैल्युएशन और अंडर वैल्युएशन ऑफ स्टॉक हो गया या ओवर चार्जिंग या अंडर चार्जिंग डिप्रिसिएशन हम लोग ने ज्यादा चार्ज कर लिया है कम कर तो उससे एसेट्स पे कितना फर्क हो जाएगा ट्रेडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये पूरा प्रिंसिपल गलत हो गया ना अकाउंटिंग का रेवेन्यू एक्सपेंस को डेफोर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लंबा चलने वाला या डेफोर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया इग्नोरिंग द प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसर उसको इग्नोर कर दिया तो ये सब अकाउंटिंग एरर्स है अकाउंट्स के लिए ये सब चीज़ें एसेट्स में लाइबिलिटी में शो करके ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आपको अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल पाएगा नहीं इग्नोरिंग द इनकम रिसिव इन एडवांस या इनकम एक हो गई है वो इग्नोर कर दिया आपने तो इससे आपके एसेट्स लाइबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ जाता है या हम लोग ने ओवर स्टेट कर दिया या अंडर स्टेट कर दिया हमारे बेड डेट्स को या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से उसको हम लोग ने लिखना भूल गए ओवर वैल्युएशन या अंडर वैल्यूएशन किया एसेट्स एंड लाइबिलिटी का ठीक है तो ये सब चीजें हमारी क्या हो रही है हम लोग ने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कैन भी डिटेक्टेड ओनली बाई वाचिंग ऑल द मटीरियल हर एक चीज़ को चेक करो एक, एक करके एसेट्स एंड लाइबिलिटी को स्क्रूटिनाइज करो सारे लेजर सही है कि नहीं ओवरऑल चेक हर जगह पर क्वान्टिटी रिकनसिलेशन हर एक स्टेटमेंट का पार्टी से कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे हमको यहाँ पर प्रिंसिपल जो हमारा मिस्टेक हुआ है वो पकड़ा जाएगा लेकिन क्लैरिकल एरर्स जो होते हैं जिसमें आता है सबसे पहला एररस ऑफ ओमिशन मतलब हम लोग कुछ लिखना ही भूल गए ठीक है तो ये बेचारा क्लर्क इंसान से हो जाता है ऐसा कभी कभी छोटा एक इंसान रहता है एक लड़का बेचारा टी वाई बी कॉम पढ़ रहे साथ साथ में काम करता है तो उससे ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है ठीक है एन एरर ऑफ ओमिशन अकर्स वेन अ ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स आइदर होली पूरा लिखना भूल गया या आधा लिखना भूल गया डेबिट में एंट्री किया क्रेडिट में नहीं किया ठीक है दो एंट्री पास करनी थी इफ अ ट्रांजेक्शन इज पार्शली ओमिटेड तो ट्रायल बैलेंस वुड नॉट टेली वो तो टेली नहीं होगा तो अपने को सीधी बातें सीधा मालूम पड़ जाएगा द एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड तो उसका तो टेंशन नहीं है पार्शली है तो एक डेबिट में है क्रेडिट में नहीं है तो अपना ट्रायल बैलेंस टेली नहीं हुआ अपने को मिल गया लेकिन इफ अ ट्रांजेक्शन इज होल्ली ओमिटेड द ट्रायल बैलेंस वुड स्टिल टेली क्योंकि ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट में कहीं लिखा गया इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सच एरर ऐसा एरर मिलना भी मुश्किल हो जाता है लेटर्स क्लैरिफाइड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ अ चेक पेमेंट टू अ क्रेडिटर एक क्रेडिटर का हम लोग ने चेक दिया इफ दिस पेमेंट इज पार्शली ओमिटेड ओनली वन अकाउंट इज एंटर से बैंक अकाउंट में लिखा अनदर अकाउंट इज ओमिटेड क्रेडिटर के अकाउंट में लिखना भूल गए द ट्रायल बैलेंस वुड नॉट टैली वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा एरर कैन बी डिटेक्टेड एंड चेकिंग द पोस्टिंग ऑफ द बैंक बुक इन टू द क्रेडिटर्स लेजर वो जो बैंक बुक है वहां से क्रेडिटर के लेजर में डाल के वो हम लोग एरर हटा सकते हैं इफ़ द एंटायर ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड द ट्रायल बैलेंस वुड टेली वो तो टेली होने वाला है नोटिस भी नहीं करेगा कोई सच एरर कैन बी डिटेक्टेड ओनली थ्रू बैंक रिकन्सिलेशन करो कंफर्मेशन एट द बैंक अकाउंट्स वाउचिंग चेक जो भी अपनी काउंटर फॉल्स होते हैं ना चेक के साथ एक काउंटर फॉल रहता है कि कहाँ कहाँ कितना चेक दिया हम लोग ने वो चेक करो क्रेडिटर्स के अकाउंट चेक करो कि भाई इसका तो पैसा चला गया है इसके अकाउंट में तो कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है तो मतलब पेमेंट हुआ है ना कन्फर्मेशन क्रेडिटर से बैलेंस चेक करो तो ये सब करके हमको डिटेक्शन कर पाएंगे जब हमारा कंप्लीट एरर हो रहा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ठीक है बहुत सारी चीज़ें हमको यहां फॉलो करनी पड़ती फिर आता है एरर ऑफ कमीशन अन एरर ऑफ कमीशन अकर्स वेन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स बट रॉन्गली तो सबसे पहला आता है मैथमेटिकल एरर मैथमेटिकल एरर में क्या है कैलकुलेशन में कुछ हज़ार का दस हज़ार कर दिया उसने ठीक है सौ रुपए का दस रुपये लिख दिया मैथमेटिकल एरर ऑफ कैलकुलेशन में अकर इन अ वाउचर में हो सकता है बुक्स में हो सकता है लेजर में हो सकता है ट्रायल बैलेंस कहीं पे भी हो सकता है इन अ सेल्स बिल नंबर हंड्रेड टेन मे बी कैलकुलेटेड एज टेन थाउजेंड इंस्टेड ऑफ वन थाउजेंड सिंस द ओरिजिनल एंट्री इट सेल्फ इज रॉन्ग अमाउंट द ट्रायल बैलेंस विल टेल टेली फर्स्ट एंट्री अगर हम लोग ने रॉन्ग लिखी है तो उसके बाद का जो सब एंट्री उसके हिसाब से ही होगा तो वो टेली होने ही वाला है सच एरर कैन बी डिटेक्टेड जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे स्क्रूटनी करेंगे पार्टी के अकाउंट्स में कि भाई इसका हम लोग ने इतना सारा अमाउंट लिया है कि हजार रुपया दस हजार रुपया ठीक है तो ओवरऑल रेशियो एनालिसिस जब करेंगे कि भाई सेल्स उतना तो हुआ नहीं है तो ये दस हजार रुपया पेमेंट कैसे दिखा रहा है वुड नॉट टेली तो तब जाके हमको पता चलेगा ठीक है उसके बाद आता है कास्टिंग एरर टोटलिंग करने में जब एरर होता है ना तो उसको कास्टिंग एरर बोलते हैं ठीक है थीके? कैरी फॉरवर्ड करने में प्रॉफिट एंड लॉस ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में लेके जाते वक्त एरर हो गया सो मैं अगर इन द डे टू डे बुक्स जो होते हैं लेजर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस होते हैं तो उसमें जनरली ये प्रॉब्लम हो जाती है इन सेल्स रजिस्टर वाइल टोटलिंग ऑल द बिल्स फॉर अ मंथ वन थाउजेंड मे बी टेकन एज टेन थाउजेंड ठीक है दस द अमाउंट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट विल बी मोर बाय नाइन थाउजेंड नौ हज़ार बढ़ गया तो अपने को नौ हजार रुपये ज्यादा आने वाले ऐसे दिखेगा तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि भाई इतने आने वाले तो है नहीं डेटर्स में तो इतना दिखा नहीं रहा तो सेल्स में क्यों इतना ज्यादा दिखा रहा है ठीक है ना तो इसके लिए अपने को सेल्स रजिस्टर से यह पता चल जाएगा कि भाई अपने को तो ये इतना नौ हजार रुपये एक्स्ट्रा पता रहे यहाँ पे तो वो एरर पता चल सकता है अपने फिर आता है पोस्टिंग एरर क्या आता है पोस्टिंग एरर पोस्टिंग एरर अकर्स व्हेन फ्रॉम रजिस्टर से हम लोग लेजर में डाल रहे 1000 A, या फिर हम लोग ने जो अपने को पैसा आना था उसकी जगह देना है ऐसा लिख दिया ठीक है तो मे बी पोस्टेड इन द सेल्स अकाउंट फॉर टेन थाउजेंड पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स इंस्टेड ऑफ द क्रेडिट आने वाले उसके जगह पे जाने वाला है पैसा पोस्टेड इन परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेल्स अकाउंट भी हो सकता है कि भाई हम लोग ने परचेज कर दिया सेल्स नहीं किया परचेज किया दस हज़ार का ऐसे भी लिख लिया हम लोग ने ऑन द रोंग साइड अगर हम लोग ने किया है तो विल अफेक्ट तो इससे पूरा ट्रायल बैलेंस और गड़बड़ होगा उससे हम लोग को पोस्टिंग चेक करके तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ हुई है द एरर ऑफ पोस्टिंग इन टू रॉन्ग पार्टी अकाउंट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू लेजर स्क्रोटिनी अगर गलत पार्टी के इसमें देखो सेल्स का परचेस किया तो वो तो ट्रायल बैलेंस से मालूम पड़ेगा लेकिन गलत पार्टी के नाम पर लिख दिया है तो उसके लिए उसका हर एक पार्टी का लेजर देखेंगे कि भाई ये भाई साहब से तो इतने पैसे आने वाले थे ये भाई साहब को इतने पैसे जाने वाले थे तो वो चेक करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि इसका अकाउंट दूसरे में चला गया तो वो गलती हो गई अपने से कन्फर्मेशन लो पार्टी से लेजर स्क्रूटिनी चेक करो द एरर ऑफ पोस्टिंग सेल्स इन टू परचेज कैन बी डिटेक्टेड रिकनसिलेशन करो ठीक है कि भाई परचेज तो इतना दिखा रहा था तो कम कैसे हो गया सेल्स तो ज़्यादा दिखा रहा था कम कैसे हो गया ठीक है तो वो अपने को देख के कंपेरिजन करके मालूम पड़ सकता है उसके बाद आता है कंपेंसेटिंग एरर्स क्या आता है कंपेंसेटिंग एरर्स तो कंपेंसेटिंग एरर में क्या होता है वो अपने को पता ही नहीं लगता है एरर हुआ है सो एरर्स अकेर वेन द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कंपेंसेटेड बाई द एरर

द पोस्टिंग एरर इन द फर्स्ट बिल इज कम्पेंसेटेड बाई द पोस्टिंग एरर इन द सेकेंड बिल दोनों के एरर एक दूसरे को कम्पेंसेट कर दिए द एरर्स कैंसल ईच अदर एंड डो नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो ये एरर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है इसके लिए अपने को वाउचर्स चेक करने पड़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेने पड़ते हैं पार्टी से कंफर्मेशन लेना पड़ता है बिल्स के डेट चेक करने पड़ते हैं बिल नंबर चेक करना पड़ता है बहुत डिटेल में माइन्यूट लेवल पर जाना पड़ता है तब हम लोग को ये मालूम पड़ता है ठीक है उसके बाद आता है एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन अकर वेन ट्रांजेक्शन ट्वाइस एक बार से ज्यादा जब लिख देते हैं इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री द पोस्टिंग इज ऑल्सो डन ट्वाइस द सेल्स बिल हजार के जगह पे अपने को रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द सेल्स रजिस्टर सच एन एरर वुड नॉट अफेक्ट इससे ट्रायल बैलेंस को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा एरर ऑफ डुप्लीकेशन कैन बी डिटेक्टेड जब हम लोग वाउचर्स चेक करेंगे लेजर्स स्क्रोटिनाइज करेंगे पार्टी से कंफर्म करेंगे रेशियो एनालिसिस करेंगे क्वांटिटी रिकनसिलियेशन करेंगे तब जाके पता चलेगा ओ हो ओड़ी बाबा गड़बड़ है एक एंट्री दोबारा डाल दी गई है ठीक है सो यस माय डियर स्टूडेंट्स आई होप हमने यहाँ तक जो भी कुछ किया है आपको प्रिटी मच एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका है आगे का जो आंसर है हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट